हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज अ वेक्टर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर्स, हमने उसको डिस्कस किया। अब इस टॉपिक हम डिस्कस करने चल रहे हैं हाउ वेक्टर इज एडेड एंड हाउ वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है? तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ वी कैन ऐड द टू वेक्टर्स। अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन हो, उनको कैसे ऐड करें और कैसे कंपोजिट करें, ठीक है? तो कैसे करते हैं, ध्यान सुनिए। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर उड प्रोड्यूस। मतलब अगर हम दो वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट अकेला ही उतना ही फिट दिखाता है। रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ? रिजल्ट हुआ उसका, अल्टीमेटली कितना फोर्स अप्लीकेबल हुआ, रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग द टू आर मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दो या दो से अधिक मेथड जिसे हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? तो वेक्टर को ऐड करने के कई रूल हैं, जिसमें एक पहला रूल आता है ट्रायंगल रूल, दूसरा पॉलीग्राम रूल और तीसरा पॉलीगन रूल्स, ठीक है? पैरेलोग्राम रूल्स एंड पॉलीगन रूल्स। तो देयर इज अ मल्टीपल रूल्स ड्यू टू विच वी कैन ऐड इट। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि वेक्टर को ऐड करने का ग्राफिकल मेथड क्या है, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड। हम यहाँ दो मेथड डिस्कस करेंगे, एक ग्राफिकल, दूसरा एनालिटिकल। क्लियर है? तो क्वेश्चन है कि अगर इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ट्रायंगल टेकन इज द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल्स टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर है? इसका मतलब समझिए पहले। सपोज करो आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, क्लियर है? वो इस तरह से हैं, ठीक है? आपके पास दो वेक्टर गिवन हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर दिया है। अगर ये दो वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, क्लियर है? ये दो वेक्टर गिवन है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना अगर पड़ जाए आपको, तो आप क्या करिए, अगर ये मान लो सपोज करो वेक्टर ए है, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर और दिस इज योर 10 सेंटीमीटर और ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल बनाना है दैट इज योर 45 डिग्री, क्लियर है? हाउ वी कैन एड इट, इनको हम ऐड कैसे करते हैं, पहले ऐड का रूल समझिए। वेक्टर ए पहले ड्रॉ करिए, ऐसे 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर लाइन, स्केल लीजिए 10 सेंटीमीटर का, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करिए। पहला पॉइंट क्लियर? ये इसका वेक्टर ए का टेल है और ये आपका हेड है, हेड वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज योर वेक्टर ए। आई बात समझ में? अब क्या करिए, 45 पे भी है तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट आर निकालना है, जो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। आई बात समझ में? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना हो तो क्या करेंगे, आप एक काम करिए, इसके ए से एक 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करिए बड़ी सी, क्लियर है? एक आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, एक लार्जर लाइन ड्रॉ कर लिया 45 डिग्री पे, तो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन एट 45 डिग्री, क्लियर है? अब क्या करिए, अपने कंपस में एक आर्क लीजिए 10 सेंटीमीटर का और उस आर्क से इसको यहां पे कट करिए। कट हुआ, ये पॉइंट एक मिला दूसरा, तो ये जो लाइन है ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंट द वेक्टर बी। आई बात समझ में? तो वेक्टर ए ड्रॉ हो गया, वेक्टर बी ड्रॉ हो गया। अब क्या करिए, ए का टेल और बी का हेड ज्वाइंट कर दीजिए, एक सेकंड, ए का टेल बी का हेड ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज कैलकुलेटेड लाइक दैट। अब आप क्या करिए, आप देखिए अगर ये एक ट्राइंगल हो पी क्यू आर, तो PQ एक साइड हो गया, Q
QR दूसरा साइड हो गया और रिजल्टेंट जो है तीसरे साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे बोलते हैं हम ट्राइंगल रूल भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। F1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, क्लियर, एंड F2 इज योर 30 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट ओके ऑफ बोथ, दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। कैसे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ध्यान सुनिएगा। ट्राइंगल रूल से आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ 40 न्यूटन लेंथ। 40 न्यूटन कैसे आप ड्रॉ करेंगे, ध्यान सुनिएगा। आप एज्यूम करिए 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 40 न्यूटन का एक लाइन ड्रॉ करिए, 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो क्या बताएगा, F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है, F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से कहा कि F2 जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, आप रिजल्टेंट क्या निकालना है, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 निकालना है, क्लियर, F1 प्लस F2 निकालना है। ऐसे केसेस में पहले आपने F1 ड्रॉ के लिए 4 सेंटीमीटर का, फिर आप कहिए नॉर्थ डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करिए 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया आपने नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या है। अब ये 3 सेंटीमीटर क्या है, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मींस 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस या नो। तो दिस इज योर 30 न्यूटन लाइन, और इसको हम बोलेंगे क्या, F2, तो दिस इज योर 30 न्यूटन लाइन विच इज योर F2। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, A का टेल, F1 का टेल और F2 का हेड, दिस योर F2, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये रिजल्टेंट R को रिप्रेजेंट करेगा जो कि F1 प्लस F2 होगा, क्लियर है, F1 प्लस F2 होगा। तो दिस इज अ मेथोडोलॉजी टू फाइंड द रिजल्टेंट विद हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, क्लियर है, आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग छोटा सा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राफिकली यू कैन प्रूव इफ टू वेक्टर इज गिवन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयर इज टू वेक्टर इज गिवन, तो प्रूफ करने के लिए कह सकता है प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर है और आर डैश है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो प्रूफ करना है वेक्टर आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर डैश, ये आपको प्रूफ करना है बाई ग्राफिकल मेथड, बाई ग्राफिकल मेथड, क्लियर है। हाउ कुड यू प्रूफ दिस ग्राफिकली, क्लियर है, हम ग्राफिकली कैसे इसको प्रूफ करेंगे, इट्स वेरी इजी। कैसे करेंगे आप लोग, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूफ करना है, ड्रॉ करना है वेक्टर आर, जिसकी वैल्यू होती है वेक्टर ए, जिसमें आप बी को ऐड करो, ए में बी को ऐड किया जा रहा है। तो आप क्या करिए, पहले एक कोई भी ए ड्रॉ कर लीजिए, सपोज करो मैंने 3 सेंटीमीटर का ए ले लिया, क्लियर है। बी आप किसी डायरेक्शन में ले लीजिए, सपोज करो हमने बी क्या किया, जो ए से एक एंगल बना रहा है, मे बी दैट इज 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री पे एक एंगल बनाया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड ज्वाइन कर दो, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। तो दिस इज योर वेक्टर आर, दिस लेंथ इज योर वेक्टर आर, आई बात समझ में। अब इसका उल्टा करते हम लोग, अब क्या करना है, हमें निकालना है आर डैश, क्लियर है, वेक्टर आर डैश निकालोगे जिसकी वैल्यू क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ना, यस या नो। अब आप क्या करिए, पहले बी को ड्रॉ करिए, बी क्या है, 60 डिग्री एंगल पे ये लाइन था बी, है ना, तो पहले आप वेक्टर बी को ड्रॉ करिए, क्लियर है।
अब वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करना है, इसका मतलब ए का टेल बी का हेड ज्वाइंट हो जाएंगे ऐसे, दिस इज योर वेक्टर, क्लियर है वेक्टर ए। ये एंगल आपका कितना है, दिस इज योर 60 डिग्री ना, ये चलो। अब ध्यान रखिए, अब वेक्टर ए वेक्टर बी मिल गया, वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना है, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन लाइक दैट, दिस इज योर आर डैश, दिस इज योर आर डैश, क्लियर है, ये आपका आर डैश। आप लेंथ को स्केल से जब मेजर करेंगे तो आर इज इक्वल टू आर डैश आएगा, आर इज इक्वल टू आर डैश आएगा। इसका मतलब यू कैन प्रूफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, दिस इज मेथोडोलॉजी यू कैन जस्टिफाई, क्लियर है। ये रहा ट्रायंगल रूल, तो अगर दो वेक्टर कंटिन्यूसली किसी ट्रायंगल के साइड्स हैं तो जो तीसरा जो होगा उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड वाइज, क्लियर है। अब आते हैं ग्राफिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको कैसे करते हैं, अभी नहीं सबको हम एनालिटिकली भी डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडिशन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ड्रॉन फॉर द कॉमन पॉइंट। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जो पैरेललोग्राम के एडिशन साइड हैं तो उनका रिजल्टेंट किधर होगा, उनका रिजल्टेंट द रिजल्टेंट ऑफ कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से जो डायगोनल है उसको रिप्रेजेंट करेगा क्या रिजल्टेंट। एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं हम लोग, इट्स वेरी इजी, देखिए कैसे, ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, ओके। सपोज दैट हमने दो वेक्टर लिए, आई एम कंसीडरिंग टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर मैंने यहीं पे ले लिया ऐसे वेक्टर बी, क्लियर है, और ये एंगल थीटा है। आप क्या करिए, इसको एक पैरेललोग्राम बना लीजिए पहले ऐसे करके डॉटेड लाइन करके, दिस इज पैरेललोग्राम, ये चलो। तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा, इसका जो डायगोनल है ये वाली लाइन, ये इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट आर को ये रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एंगल है अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो रिजल्टेंट एंगल अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। इसको एनालिटिकली बहुत डिटेल में समझाएंगे आपको, ठीक है, एनालिटिकली, बट ग्राफिकली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में। सपोज मैं आपसे कह दूं देयर इज अ टू वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, फाइंड रिजल्टेंट आर, ओके, इफ एंगल बिटवीन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री, क्लियर, दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री हो तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्लियर है। ध्यान सुनिए, पहले आप वेक्टर ए ड्रॉ करिए, वेक्टर ए कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, फिर वेक्टर बी ड्रॉ करिए कितने का, 10 सेंटीमीटर का, क्लियर है। दिस योर वेक्टर ए एंड दिस वन इज योर वेक्टर बी, आई बात समझ में, वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी हो गया, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे इनका, आप इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइए ऐसे, फिर इसको भी डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करिए आगे, एक सेकंड इंक्लाइंड हो गया, ठीक है, आप डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाइए, क्लियर है, और डॉटेड लाइन से इसको भी आगे बढ़ाइए, जिस पॉइंट पे ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दिया हमने, और इन दोनों पॉइंट अगर ये वेक्टर बी है ये वेक्टर ए है तो रिजल्टेंट ये होगा आपका, दिस इज योर रिजल्टेंट, क्लियर है, डायगोनल से। अब आप क्या करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर लाइन है, और ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो स्केल से आप, अगर मैं कहूँ ये दिस योर पी क्यू आर एस, आप क्या करिए क्यू एस लेंथ को मेजर कर लीजिए स्केल से, ये सब काम ज्योमेट्रिकल
इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करना है, QS की लेंथ मेजर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। और ये एंगल मेजर कर लेंगे, जो भी एंगल आएगा अल्फा, ये रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन है वो बताएगा। क्लियर है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट? इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अल्फा। क्लियर है? दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, या यू कैन ऐड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैंने आपसे क्या कहा था, स्केलर तभी वेक्टर तभी होगा जब वो वेक्टर लॉ के एडिशन, वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। इट मीन्स अगर ये एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कंप्लीटली वेक्टर। क्लियर है? तीसरा आता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स बेसिकली, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग द साइड ऑफ पॉलीगन्स ऑफ द अपोजिट ऑर्डर। क्लियर है? तो कैसे वो क्लोज कर रहा है, वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं आपसे कहूँ, बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं आपको, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ऐसे दिया हुआ है। दिस इज योर वेक्टर ए, दिस योर वेक्टर बी, दिस योर वेक्टर सी, दिस इज योर वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर डी, इस ऑर्डर में दिया हुआ है, दिस योर वेक्टर। इन सबको क्या करिए, जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में इनको लगाना शुरू कर दीजिए। पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे, यस या नो? आई बात समझ में? वेक्टर ए ये है आपका, वेक्टर बी जिस ऑर्डर में हमने ऐड कर दिया, अब वेक्टर बी के साथ वेक्टर सी लगाइए आप, यस या नो? वेक्टर बी के साथ वेक्टर सी लगाएंगे, ठीक है, फिर वेक्टर सी के साथ वेक्टर डी लगाएंगे, जिस ऑर्डर में है और जितने एंगल पे वो रिप्रेजेंट हो रहा है उसी ऑर्डर में आप लगाएंगे। लास्ट में जब वेक्टर का हेड बचेगा, ये आपका वेक्टर सी हो गया, ठीक है, और वेक्टर डी हमने इस डायरेक्शन दिखाया था, तो वेक्टर डी आप ऐसे बना दीजिए। जरूरी है को पेंटागन ही बने, जरूरी नहीं है। क्लियर है? लास्ट का ये हेड है और इनिशियल का टेल ये है, दोनों को आप ज्वाइंट कर देंगे, जो लेंथ मिलेगा दैट लेंथ इज योर रिजल्टेंट ऑफ किसका। अगर ये रिजल्टेंट आर है तो यू कैन से वेक्टर आर इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। क्लियर है? दिस इज योर रिजल्टेंट। तो दिस इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, हाउ वी कैन ऐड द ग्राफिकली, दैट इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को एनालिटिकली कैसे ऐड करेंगे या डेरिवेशन वाइज या न्यूमेरिकल वाइज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल मेथड में, ट्रायंगल रूल को भी हम स्टॉप करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी, क्योंकि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल रूल एक जैसे ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं पैरेललोग्राम को डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रायंगल को मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू करा देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, how we can add the law of parallelogram, vector addition of, vector addition by parallelogram method। clear hai? parallelogram method, clear? start karte hain, dhyan suniyega। suppose that ek vector aapke paas a hai, क्लियर है, हमने इसको मान लिया वेक्टर पी। ठीक है, दूसरा वेक्टर आपका है वेक्टर क्यू और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है। क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी इज गिवन, सॉरी वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इज गिवन, द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज थीटा, देन हाउ वी कैन डिराइव, हाउ वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। कैसे करेंगे? तो आप क्या करिए, इस लाइन को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कराइए इसे, ओके, और यहां पे इसको जिस पॉइंट पे ज्वाइंट करें, ये एक पॉइंट आपका हो गया, ये आपका है सपोज करो ए बी सी डी। क्लियर है? तो जो ये बी सी लाइन है वो
चूंकि लाइन ऑफ एक्शन एडी का लाइन ऑफ एक्शन और बीसी का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और जिस डायरेक्शन में बीसी है उसी डायरेक्शन में एडी है, इसका मतलब मैं क्यू को बीसी पे दिखा सकता हूं। क्यू कैन बी शोन ऑन द बीसी। इसको इरेज करके दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा आपके लिए आसानी होगी समझना। क्लियर है? या इसको मैं डॉट लाइन से ड्रॉ करता हूँ, बी सी को हमें ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? तो दिस इज योर क्यू। आई बस में, क्योंकि क्यू को हमने क्या किया, लाइन ऑफ एक्शन सेम कर दिया, डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए AD की जो वैल्यू है वही BC की वैल्यू होगी। क्लियर है? आई बात समझ में? और ये एंगल भी आपका थीटा ही रहेगा। एनी डाउट? अब क्या करेगा, दूसरा स्टेप क्या है, ड्रॉ प्रपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। ये प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे मान लो E पॉइंट, मान लिया हमने क्या E पॉइंट। क्लियर है? तो फ्रॉम ट्राइंगल, ध्यान समझना, फ्रॉम ट्राइंगल BCE, कौन सा एंगल होगा, ये आपके सामने है BCE। क्लियर है? दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, मैं इसको बाद में एरेंज कर दूंगा, दिस ट्राइंगल BCE, फ्रॉम BCE। क्लियर है? अगर इस ट्राइंगल देखा जाए तो थीटा एक यहाँ पे थीटा है, तो BE एक बेस होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब BE अपॉन BC, यस नो, और BE अपॉन बी सी इज योर क्यू कॉस थीटा, ये हो गया आपका, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, यस या नो? क्लियर है? तो जो बी ई की वैल्यू है वो आ गया आपका क्यू कॉस थीटा, मैं यहां लिख रहा हूं योर क्यू कॉस थीटा, यस या नो? सिमिलरली जो आपका सी ई होगा, सी ई दैट इज योर सी ई, CE is your Q sin theta, हाँ या ना? Same way, this can be written as Q sin theta. Clear? As per the rule of parallelogram, parallelogram rule ये कहता है जो resultant है P और Q का, वो अगर दो consecutive sides है किसके, adjacent side है किसके, parallelogram के, तो जो resultant होगा वो hypotenuse से represent किया, जिसका मतलब रिजल्टेंट आपका ये होगा ए टू सी, दिस योर रिजल्टेंट आर। क्लियर है? और ये एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट का अल्फा होगा, यस या नो? तब एक काम करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यू कैन सी दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, एक काम करो इससे पहले ट्रायंगल लिख लो, यहां लिखो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी ई, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी ई। क्लियर है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ए सी ई इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? इसमें लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यस या नो? तो यहां लिख लीजिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यस या नो? ए सी इज योर आर, सो दिस योर आर स्क्वायर, एंड ए ई क्या है, ए ई है पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और सी ई है आपका क्यू साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करिए और क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर करिए, आप देख सकते हैं ए ई क्या है, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा एंड सी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन, तो एक बार सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, स्क्वायर करिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा हो गया, पहले का एक्सपेंशन आ गया ये। क्लियर है? दूसरे का एक्सपेंशन क्या होगा, दूसरे में तो केवल अकेला क्यू साइन थीटा है, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको ऐड करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर कॉमन हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये तो आएगा आपके सामने। और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। सो यू कैन राइट दिस इज योर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, यस या नो। दिस इज योर आर स्क्वायर रिजल्टेंट, आर स्क्वायर आपका यहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, आई वास में दिस इज वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, क्लियर। अब आपसे कहा जाए एग्जैक्टली अगर रिजल्टेंट की वैल्यू ये है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच जनरली आस्क इन योर एग्जामिनेशन, क्लियर है। दूसरा होता है एंगल क्या होगा, तो एंगल के क्या करिए, आप उसी ट्रायंगल में ट्रायंगल लीजिए ए सी ई, तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू सी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए ई, क्लियर है, सी अपॉन ए ई, ये लिखोगे सी ई अपॉन ए ई, तो सी ई की वैल्यू कितना है, सी ई इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा और ए क्या है पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यहां डायरेक्टली साथ में लिख दीजिए टेन अल्फा इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई, सी ई क्या था क्यू साइन थीटा और ए ई था पी प्लस क्यू कॉस थीटा। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितने भी एग्जाम मैंने देखे हैं आज तक, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे आपके एकेडमिक एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पैरलोग्राम के क्वेश्चंस जरूर मिल जाते हैं, क्लियर है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए इस पूरे स्टेप्स को, हमने क्या किया, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दी पैरलोग्राम, ठीक है, और पैरलोग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने डिस्कशन किया पैरोग्राम रूल, अगर दो वेक्टर दिए हैं, दोनों वेक्टर आपके पैरोग्राम के साइड्स हैं, तो रिजल्टेंट उसके डायगोनल पे रिप्रेजेंट होगा। तो यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो एंड वॉच अगेन एंड अगेन एंड लर्न दिस फॉर्म डेरिवेशन, बिकॉज दिस डेरिवेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग पैरोग्राम का, स्लाइड्स पे आते हैं, सेम वही कहानी हमने किया है, ए और बी लेक्ट किया गया है, तो आप ए और बी के फॉर्म में भी कर सकते हो या पी और क्यू के फॉर्म में कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब बात करते हैं ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल से भी वही रिजल्ट आएगा क्या, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो आपने क्या किया, इस क्यूब पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर ये क्यूब बी है तो ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया आपका बी साइन थीटा, यस या नो। रिजल्टेंट क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम वे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सो यू कैन राइट वेक्टर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आर यू कैन से आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ट्रायंगल रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम वे यहाँ पे टेन बीटा लिख दिया रिजल्टेंट को, हमने अल्फा लिया था, तो यू कैन राइट टेन बीटा, टेन बीटा इज योर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यू कैन सी यहाँ पे देखो ये लिखा है बी साइन थीटा, अगर ये बीटा ले रहे हो आप रिजल्टेंट को, तो टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, क्लियर है, तो क्या जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो पैरेललोग्राम रूल एंड ट्रायंगल रूल बोथ आर द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दी पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल रूल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।